करनाल नगर निगम द्वारा शहर के डेयरियों को शिफ्ट करने की कार्यवाही पूरे जोरों शोरों पर चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत मंगलवार को लाइन पार एरिया में नगर निगम के अधिकारियों द्वारा कई डेयरियों को सील किया गया है और पशुओं को जब्त किया गया। इसी दौरान महिलाओं ने हाथ जोड़कर अधिकारियों से और समय भी मांगा है। आपको बता दें कि निगम के अधिकारियों ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि शहर में जो डेयरी संचालक हैं उनको नोटिस दिए जा चुके हैं और बार बार अपील भी की जा रही है कि शहर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए डेयरियों को शहर से बाहर पिंगली रोड पर निर्धारित स्थान पर ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि कई डेयरी संचालकों को शिकायत है कि उनको नोटिस नहीं दिया गया, जिसकी जानकारी के लिए निगम के अधिकारियों ने कहा कि इन लोगों के द्वारा ना तो डेयरी शिफ्टिंग के लिए कोई आवेदन किया गया और यह धलड्डे से शहर के अंदर ही डेयरियां चला रहे थे, जिनके खिलाफ निगम प्रशासन कड़ी कार्यवाही करने जा रहा है, जिसके तहत डेयरियां सील की जाएंगी और पशु भी जब्त किए जाएंगे। इस अवसर पर निगम के अधिकारियों के साथ पुलिस के कर्मचारी व निगम के कर्मचारी मौजूद रहे। मौके पर कई महिलाओं ने निगम प्रशासन के अधिकारियों से आग्रह किया कि वह उन्हें एक महीने का समय दें ताकि वह अपने पशुओं के लिए कोई नया स्थान तलाश कर ले, परंतु निगम प्रशासन के अधिकारियों के सामने उनकी एक ना चली। देखिए एक विशेष क्यों बात फैलाई, मैं दो दिन का टाइम दे देते हैं, एकदम से ऐसे करना नहीं चाहिए ना। जुर्माने की लालच है, यानी 25,000 की लालच होगी, 5 पैसों में 5,000 में जुर्माना, 25,000 ले रहा था। तो किसी गरीब बंदे के पास इतने पैसे, कितने पैसे ले गए? 5 लेके गए, 5 ले गए, पहले किसी के पास 25,000 एट ए टाइम में आता, वो क्या बंदे को भेज दे? डेयरी शिफ्टिंग का मामला चल रहा था तो अभी तक आपने, हमारे पास एक बार भी अभी तक नोटिस नहीं आया था। नोटिस जिनके पास आया उनके तो लेके नहीं गए, बाकी सारों के पास आया नोटिस, हमारे पास नहीं आया। कितनी पैसे आपके? 5 पैसे हमारी। तो क्या कुछ कार्रवाई हुई? 10 पैसे टोटल पहले हमारे पास 17 थी, 7 बेचती थी, 10 रह गई थी, 5 ले गए वो। तो इतने लंबे समय से डेयरी शिफ्टिंग का मामला चला हुआ था आपको? हमारे पास एक बार नहीं आए, पहली बार आए हमारे पास, पहली बार में ले गए, पहले कभी नहीं आए हमारे पास। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए, पहली बार आए, इतना बिना किसी पूछे हम घर थे, यहाँ से भैंसे खोल के ले गए हमारी। ठीक है, कौन थे ये? नगर निगम वाले थे। अब क्या मांगे आपकी? हमारी क्या मांगे, हमारे को टाइम दिया जाए, टाइम मिला हमारे को, हमारी भैंसों कुछ हो गया, कौन जिम्मेवार? लाख रुपए की भैंस है, कहाँ से लाएंगे हम? क्या नाम आपका? तरुण नाम है जी। कितना जुर्माना लगाया अभी? जुर्माना 5,000 रुपए भैंसों का जुर्माना है। पिंगली गाँव में शिफ्ट होना था, जिसमें तकरीबन 15-16 साल का, तो प्रोसीजर काफी टाइम से चल रहा है, और पिछले 4-5 महीने पहले हमने पिंगली गाँव के अंदर प्लॉट्स की अलॉटमेंट का प्रोसीजर शुरू किया था। काफी इंडेवर करके हमने 188 प्लॉट्स हमारे पास थे, और हमने सारे डेयरी ओनर्स को रिक्वेस्ट किया टेलीफोनिकली भी और नोटिसेस के मार्फत भी, आप भी पिंगली गांव में शिफ्ट कीजिए और प्लॉट लीजिए। तो 188 के अगेंस्ट हमारे पास सिर्फ 79 ही आवेदन आए, एप्लीकेशन आई, जिसमें से हमने 79 को प्लॉट अलॉट कर दिया। उसमें से 54 ने तो अपनी 20% अर्नेस्ट मनी जमा करवा दी, और 25 ऐसे डेयरी ओनर्स हैं जो 30,000 रुपये जमा करवा के अर्नेस्ट मनी जमा नहीं करवाने आए, और बाकी तकरीबन हमारे पास 230 के करीब डेयरियां हैं जो प्लस माइनस 5-10 हो सकती हैं, क्योंकि कुछ डेयरियां बंद भी हुई हैं, और जिन लोगों ना तो कभी आवेदन दिया, ना कोई पैसे जमा करवाए, ना शिफ्टिंग की बात हुई है। तो अब जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोई भी पिंगली गांव में जाने के लिए जिनका मन नहीं बन रहा और यहां डेयरियां चला रहे हैं और पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है क्योंकि इनकी वजह से सारे सीवर वगैरह जाम हो जाते हैं, उनके ऊपर अपने एक्शन लेना शुरू करते हैं, और हम इनके पशु सीज कर रहे हैं। जहाँ पशु कुछ लोगों ने निकाल दिए हैं और कि यहाँ क्योंकि कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो उन परिस्थितियों में हमने डेयरी डायरेक्ट सील करनी शुरू कर दी है। कुछ हमने पशु सील करके प्रेम नगर जो हमारा कम्युनिटी सेंटर है वो एक सीलिंग सेंटर वहाँ रखा है, 5,000 रुपये पर कैटल के हिसाब से अपना फाइन डिपॉजिट करवा के नगर निगम में सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर के पास रिसीट बुक्स पड़ी हैं, वहाँ जाके अपना फाइन जमा करवा सकते हैं नगर निगम में और अपने पशुओं को, अपने कैटल्स को छुड़ा सकते हैं। और कुछ लोगों ने हमें अंडरटेकिंग देनी शुरू कर दी है कि हम पैसे भी जमा कराने के लिए तैयार है। पीछे एक डायरी में और एक व्यक्ति ने ये लिखा कि हम अपने पैसे विद इन 1 or 2 days, हम आज ही हो सकता है डिपॉजिट करवा दें, और कुछ लोगों ने कहा कि आज शाम तक हम अपनी डायरियों को शिफ्ट कर देंगे। तो हम कंपैशनेट, अभी भी कंपैशनेट ग्राउंड रख रहे हैं। कितने डायरियां सील की गई है आज? आज तो जी हम तकरीबन ये 6वीं पे खड़े हैं, 6th पे खड़े, और शाम तक जितनी होंगी हम करेंगे और कॉन्टिन्यूस प्रोसीजर में चलेंगे। तो कुछ डेयरी वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया, कोई जानकारी नहीं है, बगैर जानकारी आपके मार्फत, शायद मीडिया के मार्फत ही कम से कम 5 प्रेस नोट जारी कर चुका, बाकी पर्सनल तो नोटिस पता नहीं कितने के चले गए। कितने दिन चलेगी कार्रवाई ये जब तक फाइनल कम्प्लीट नहीं होता? ठीक है।
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.